आज हम बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। ये भारत आने वाले 9वें गवर्नर जनरल हैं। इन्हें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होने का गौरव प्राप्त है। अपने लिबरल और एनलाइटन विचार के लिए इन्हें भारत के इतिहास में अलग स्थान प्राप्त है। अब यदि इनके कार्यकाल में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं को देखें तो चार्टर एक्ट 1833 एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें मैकाले मिनट सबसे प्रमुख है। इसके अंतर्गत हायर क्लास को वेस्टर्न एजुकेशन देने की बात कही गई। इसके साथ ही कलकत्ता में फर्स्ट मेडिकल कॉलेज भी इसी समय खोला गया और साथ ही इंग्लिश को भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिया गया। इसी कारणवश इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। बेंटिक के बारे में बाकी की बातें हम दूसरे वीडियो में करेंगे।